आ चुकी है सामने ब्रॉडकास्ट ऑडियम रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी BRC की जानिब से 2023 के 42वें हफ्ते की TRP की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टार प्लस की फुल TRP लिस्ट। तो कौन सा शो कर रहा है किस पोजीशन पर राज, बगैर देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं नंबर 8 के पायदान पर से, जिस पर है शो कह दूं तुम्हें, जिसे हासिल किए हैं 0.7 की रेटिंग पॉइंट्स। वहीं इस वीक 7वें पायदान पर बाजी मारी है शो तितली ने, जिसने हासिल किए हैं 0.8 की रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं नंबर 6 के पायदान की, जिस पर है शो ये है चाहते का राज 1.3 की TRP रेटिंग पॉइंट्स के साथ। वहीं इस वीक 5वें पायदान पर है राजन शाही का शो बातें कुछ अनकही सी, जिसने इस वीक हासिल किए हैं 1.6 की रेटिंग पॉइंट्स। इस वीक 4वें पायदान पर बाजी मारी है हर्षद चोपड़ा स्टारर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने, जिसने इस वीक हासिल किए हैं 1.7 की रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं नंबर 3 के पायदान की, जिस पर दो शो सेम TRP के साथ दे रहे हैं एक दूसरे को कड़ी टक्कर। पहला शो है इमली 1.8 की TRP रेटिंग पॉइंट्स के साथ और दूसरा शो है पांड्या स्टोर, जिसने भी हासिल किए हैं 1.8 की रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं नंबर 2 के पायदान की, जिस पर है दो शो सेम TRP के साथ आमने सामने। पहला शो है तेरी मेरी डोरियां 1.9 की TRP रेटिंग पॉइंट्स के साथ और दूसरा शो है रूपाली गंगुली स्टारर शो अनुपमा, जिसने भी हासिल किए हैं 1.9 की रेटिंग पॉइंट्स। अब बात करते हैं उस शो की जिसने छोड़ा सबको पीछे और पहना नंबर 1 का ताज, तो वो शो है शक्ति अरोरा स्टारर शो गुम है किसी के प्यार में, जो कर रहा है स्टार प्लस पर राज, जिसने हासिल किए हैं 2.3 की रेटिंग पॉइंट्स। स्टार प्लस की इस TRP की लिस्ट में कौन सा शो है आपका फेवरेट, अपनी ओपिनियंस करें हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।